नमस्कार शमीम गाजीपुरी जी, आज हमारे साथ हैं और हम आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसी रही ईद आपकी और किस तरह से ईद मना रहे हैं आप आज? जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज जो है घरों में पढ़ी गई। जी और अच्छा लगा। ईद है जी। ईद देखिए, असल में ईद में इकट्ठे होते हैं लोग, बस्ती के लोग, आसपास के लोग, कि लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को जाने, किसको क्या जरूरत है, और इसकी भी एक बहुत खास वजह होती है। जी, और एक शायर हैं आप, तो इस जो करीब 2 महीने का वक्त हो गया जब सभी लोग अपने घरों में महदूद हैं, तो बतौर शायर इस वक्त का किस तरह से सदुपयोग किया आपने? जी आजकल तो ये लाइव गोष्ठियां चल रही है बनारस में, और यूं तो आप कई जगह मंचों और मुशायरों में जाते रहते हैं, तो इस आज ईद के मौके पर खासतौर से कुछ हमारे जो श्रोता हैं, सामईन हैं, उन्हें क्या सुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं कुछ अशआर सुनाना चाहूंगा। जी अता। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, ईद के दिन तो खुलकर मिला कीजिए। क्या कहने, वाह वाह। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, रहा कीजिए। और इसी तसलसल में जो ईद का पैगाम है जी, स्वागत। एक मसला और समाप्त कर लें। बेवफाई के बदले वफा कीजिए, दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और आइए शेर समाप्त कीजिए। जी अता। एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं, ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। क्या कहने, बहुत बड़ी बात है। एक दिन की खुशी कोई कम तो नहीं, ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। ईद का शुक्रिया तो अदा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। आइए तसलसल में एक शेर और समाप्त कर। जी जी आता। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं, ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं, यकीनन। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं, कोई रोता ना ये पता कीजिए। बहुत बहुत अच्छा, पते की बात कही और आज के हालात पर बहुत ही काम की बात आपने कही। हर किसी का ये फर्ज बनता है। ईद की ये खुशी सबको हासिल नहीं, क्या कहने, कोई रोता ना ये पता कीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आइए एक शेर खासतौर से, एक नाजुक जी शेर जी, कर ले। जी अता। कि आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। वाह 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 वाह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। जी, 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 शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और मकान से बात करें। जी आता हूँ। आज के हालात के ऊपर ये शेर है। जी, जो हालात आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल स्वागत। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, आप बस मेरे दिल में रहा कीजिए। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। क्या कहने, बहुत खूबसूरत अशार से, अपनी गजलों से हमें नवाजा आपने। हम आपके शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, खास तौर से ईद के मौके पर ये पैगाम हमारे सामईन तक पहुंच रहा है। हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं शमीम जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया।